हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज आप ये जो ब्यूटीफुल सा फ्लावर देख रहे हैं, ये 3D इफेक्ट लिए हुए हैं। ऐसे फ्लावर्स हम ब्राजीलियन एम्ब्रॉयडरी में बनाते हैं, तो आज मैं आपको ये फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत और वाइब्रेंट फ्लावर है और इसका उभार भी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले ड्रॉइंग बनाएंगे। ड्रॉइंग के लिए हम ये देखें, ऐसे एक राउंड बनाते हैं। अब इस राउंड को हम 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। रफली पहले करके देख ले, ऐसे। अब ये जो सेंटर का राउंड है, आप छोटा बड़ा बना सकते हैं, जितना बड़ा आपको फ्लावर चाहिए। अगर फ्लावर बड़ा चाहिए तो आप ये राउंड को बना के इसको 6 या 7 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। वर्क करने के लिए हम एंकर के थ्रेड्स का इस्तेमाल करेंगे, एक डार्क एक लाइट, अपने मनपसंद कोई भी शेड ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा डबल शेडेड फ्लावर दिखाई दे रहा है। हम मार्केट में डबल शेडेड केवर हमें मनपसंद थ्रेड्स नहीं मिलते, तो हम उनको खुद भी डबल शेडेड बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि इन दोनों स्ट्रैंड्स को ये देखें, इसमें भी 6 स्ट्रैंड्स हैं और इसमें भी 6 स्ट्रैंड्स हैं। मैंने 3 स्ट्रैंड इसकी ली और 3 स्ट्रैंड्स इस पिंक कलर की ली। तो इन दोनों को ये देखें, इसकी भी 3 है, लाइट कलर की भी और डार्क की भी 3 है। इन दोनों को जब हम इकट्ठा पिरोएंगे तो ये बहुत सुंदर वाइब्रेंट सा एक इफेक्ट आएगा फ्लावर को बनाने में। ये देखें, मैंने इनको सुई में पिरो लिया है। ये ऑर्डिनरी हमारी एम्ब्रॉयडरी नीडल है 7 नंबर, दूसरी तरफ गांठ लगा ली है। अब वर्क करना सीखते हैं कि इसको हम 3D इफेक्ट देने के लिए कैसे वर्क करते हैं। हम किसी भी मार्क किए हुए पॉइंट से अपने नीडल को निकालेंगे और सबसे पहले हम लेजी डेजी स्टिच बनाएंगे। इतना बड़ा काम को हमने बहुत हल्के हाथों से करना है, आपको हल्के हाथों से थ्रेड्स को खींचना है, बहुत प्रेशर से नहीं खींचना। यहां पे टकिंग करेंगे और अब फिर से हम बेस पे अपनी नीडल को निकालते हैं। अब ये जो हमें पूरी लूप दिखाई दे रही है, इसके दोनों तरफ हम यू बटन होल स्टिच करेंगे। ये देखें, और इसको भी बहुत हल्के हाथों से खींच रहे, देखें आप लूप्स दिखाई दे रही हैं। 1, 2 और ये 3। 3 ही हम इस तरफ लेंगे स्टिचेस, इस तरफ भी। बस ये ध्यान रहे कि आपने जोर से नहीं खींचना। ये देखें, 1, 2 एंड 3। और उसके बाद इसको हमने बेस पे यूं टकिंग कर देनी है। तो ये हमारी सेंटर की लूप बन गई। ये देखें, आप ये देख रहे हैं ना, इसमें ये सेंटर की लूप जो है हमारी, ये बन गई। अब हम फिर से इसको ऐसे इकट्ठा कर लेंगे और इसके बाहर थोड़ा सा नीचे स्टिच लेते हुए फिर से लेजी डेजी स्टिच करेंगे। ये जो पहले स्टिच लिया था, इससे थोड़ा सा ऊपर यूं। ये भी हमने बहुत हल्के हाथों से खींचना है, लूप हमें ऐसे, बस इतना कि इतना प्रेशर से खींचना है कि ये लूप इसके बाहर टिक जाए। अब इसकी टकिंग और फिर से हम इसी बेस पे दोबारा से नीडल को निकालेंगे। अब जो हमने सेंटर में पहले पेटल बनाई है, उसको हम अंदर की तरफ यूं ले लेंगे ऐसे, और आपको ये लूप हाफ दिखाई दे रही है एक तरफ की। अब इस लूप में हम फिर से बटन होल स्टिच करेंगे 5 टाइम। पहले हमने 3-3 टाइम किए थे, अब हम 5-5 टाइम करेंगे। और खींचने का तरीका वही, आपने बहुत हल्के हाथों से लूप्स खींचनी है ताकि आपको लूप दिखाई दे। 1, 2, 3
फोर फाइव बटन होल के फाइव स्टिचेस एक तरफ और दूसरी तरफ भी ये जो लूप है इसमें भी हम फाइव स्टिचेस लेंगे. वन टू थ्री फोर एंड फाइव और उसके बाद हम इसको फिर से वैसे ही बेस में टकिंग कर देंगे. ये देखें अब इसकी पेटल्स जो हैं वो कितने अच्छे से एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई दिखाई दे रही हैं. एक ऊपर है और एक इसके बाहर है तो ये इसको कितना अच्छा 3D इफेक्ट दे रही हैं. तो ये इसी तरीके से ये फ्लावर्स भी बनते हैं. ये देखें कितना अच्छा फ्लावर बना है. सेम इसी मेथड से मैंने इसको भी बनाया है. तो अब हम यहां पे नेक्स्ट पॉइंट पे भी इसी तरीके से जैसे हमने ये पेटल बनाई है ये पेटल भी सेम इसी तरीके से बनेगी. फाइव लूप्स कास्ट करने के बाद हम बेस में इसकी टकिंग कर देंगे इस तरीके से. तो ये देखें हमारी ये कितनी ब्यूटीफुल पेटल बनी है. या वॉश भी करेंगे या कैसे भी आप इसको यूज करेंगे ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी. थोड़ी सी आगे पीछे होगी तो वो बहुत नेचुरल इफेक्ट देती है. इसी तरीके से हम ये जो थ्री पॉइंट्स हैं इनपे भी ऐसे ही पेटल्स बना लेंगे. तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये फ्लावर तो दोनों बना लिए हैं. अब इसको हम थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करते हुए मैंने थोड़ा से लीव्स और स्टेम्स स्क्रिबल करी हैं और एक छोटे छोटे से तीन फ्लावर्स. तो इनको भी साथ के साथ वर्क करते हैं तो हमारा एक परफेक्ट मोटिफ भी बन जाएगा. तो सबसे पहले तो हम इस फ्लावर के बीच में फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे. डबल रैप की फ्रेंच नॉट आप सबको बनानी आती है. बड़े हल्के हाथों से आपने इसको नीचे की तरफ पुश करना है. डबल रैप और इसको यूं नीचे की तरफ पुश करना है. उम्मीद है अभी तक सबको फ्रेंच नॉट अच्छे से बनाने आ गई होगी और आपने इसकी खूब प्रैक्टिस भी करी होगी. ये देखिए यूं फ्रेंच नॉट्स लगाते हुए हमने इस मोटिफ को यूं बना लेना है. अब ये जो हमने छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाए हैं इनको हम डबल लेजी डेजी स्टिच के साथ वर्क करेंगे. पहले एक लेजी डेजी स्टिच बनाते हैं यूं और फिर से इसके बेस में से ही निडल को निकालते हुए एक और स्टिच लेंगे. वो इससे थोड़ा बाहर लेंगे ऐसे. तो ये हमारा थोड़ा सा उभार वाले फ्लावर्स बनेंगे. ये देखें हम एक स्टिच लेते हैं इसकी टकिंग करते हैं. इसी के बेस में हम दोबारा से स्टिच लेते हुए एक और लेजी डेजी स्टिच इसके बाहर बनाना है. देखिए मैं इसको बड़े हल्के हाथों से खींचती हूं ताकि आपको उभार जो है वो अच्छे से दिखाई दे. स्टिचेस वही हैं बस आपने इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके और ब्यूटीफुल बना लेना है जिससे इनकी लुक बहुत ही सुंदर हो जाती है. ये छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस आपकी एम्ब्रॉयडरी को चार चांद लगाएंगी. ये देखिए ये देखें इसी तरीके से हम डिफरेंट कलर्स के साथ इन फ्लावर्स को बना के भी ब्यूटीफुल सी लुक क्रिएट कर लेंगे. ये देखें हमने फ्लावर्स बना लिए हैं और इनके बीच में एक एक फ्रेंच नॉट भी बना ली है. अब ये हम स्पाइक्स बनाएंगे. मैंने एक ट्यूटोरियल में आपको स्पाइक्स पूरी बनानी सिखाई हुई है. तो ये देखें हम एक साइड से फ्लाई स्टिच बनाते हैं. अब हम दूसरी तरफ से स्टिच लेते हैं.
दोनों तरफ से यूं स्टिचेस लेते हुए एक स्पाइक बना लेंगे। ये हम 6 स्ट्रैंड के साथ ही वर्क कर रहे हैं। आपको मैंने स्पाइक बनाने का तरीका पहले भी बताया था कि आपने ऊपर थोड़े बारीक स्टिचेस लेने हैं और नीचे जो है वो थोड़े बड़े स्टिचेस लेने हैं, ताकि नीचे से जो स्पाइक है वो ब्रॉड हो और ऊपर से वो पतली हो। ये भी चीजें साथ के साथ ही ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो आप देख सकते हैं यहां मैंने भी कुछ पास पास स्टिचेस लिए, यहां थोड़े दूर कर दिए, उससे ये स्पाइक जो है वो कितनी ब्यूटीफुल बनती है। दूसरी तरफ की स्पाइक भी हमने ऐसे ही बना लेनी है। उससे पहले मैं आपको लीव्स बनाना सिखाती हूँ। लीव्स भी आपने बहुत से ट्यूटोरियल्स में सीखा है। हम इन छोटे लीव्स को यूं फ्लाई स्टिच के साथ बनाएंगे। सेंटर में यूं स्टिच लेते हुए ऐसे फ्लाई स्टिच बनाएंगे, क्योंकि हम 6 स्ट्रैंड से वर्क कर रहे हैं और पेटल्स बहुत बारीक हैं, तो ये हार्डली 2 या 3 स्टिचेस के साथ ही हमारी लीफ बन जाएगी ऐसे। इसी तरीके से हम इस तरफ भी लीफ बनाएंगे। लीफ बनाने का तरीका भी वही है। जब हम ऊपर के एज में लीव्स बनाते हैं तो वो हम पतली लीव्स बनाते हैं, जब नीचे वाली लीव्स बनाते हैं वो थोड़ी ब्रॉड बनाते हैं। तो ये चीजें भी थोड़ा थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो आपका मोटिफ बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगा। तो इसमें भी हम यूं ही फ्लाई स्टिच करते हुए लीव्स बना लेंगे। तो ये देखें, हम ये लास्ट स्टिच है, इसको भी ऐसे ही बनाकर यूं हम लीव्स बनाएंगे। तो लीव्स देखें कितनी अच्छी बनी है। या तो हम इसको स्टेम स्टिच के साथ कर लेंगे या बैक स्टिच के साथ, जो स्टिच आपको कन्वीनियंट लगे उस स्टिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको यूं भी स्ट्रेट स्टिच के साथ लगा के बीच में टकिंग कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लुक लेना चाहते हैं। मैं इनको स्टेम स्टिच के साथ फिल कर रही हूं। इसी तरीके से ये बाकी बचे हुए स्टेम्स और लीव्स हम तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो स्पाइक्स बनाए थे इनके बीच में एक एक फ्रेंच नॉट और 3 फ्रेंच नॉट्स की फ्लावर्स भी बनाए हैं। यहां बड़ा वाला फ्लावर बनाया है, ये छोटे बनाए हैं। तो ऐसी छोटी छोटी सी इमेजिनेशन आप खुद भी कर सकते हैं। उससे आपके प्रोजेक्ट की जो लुक है वो और भी सुंदर और वाइब्रेंट बनेगी। तो इस तरीके से आप यहां पे फ्रेंच नॉट्स लगाकर इस स्पाइक को एक ब्यूटीफुल सी लुक दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशन करके इस मोटिव को कितनी ब्यूटीफुल लुक दे ली है। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।